आप कहते थे कि वोट को इज्जत दो, आप तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, अब किस चीज को इज्जत दी है आपने? क्या मांगे तांगे की हुकूमत लेके इज्जत मिल गई? इज्जत वो है जो कौम आपके सर पे इज्जत का ताज पहनाए, जब आपको इज्जत की पगड़ी पहनाए, जब कौम आपको कंधों पे बैठाए, जब कौम के बच्चे आपके लिए दुआएं करें, वो होती है इज्जत। मेरी दुआ है मेरा मुल्क हंसता खेलता फलता फूलता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उस्तादों को बेकराबी करके नहीं होगा, जजों को प्रेशराइज करके नहीं होगा, अपने मर्जी के फैसले लिखवा के और करवा के नहीं होगा। मुल्क तरक्की तब करेगा जब जमहूरियत में जमहूर का माना जाएगा। और जमहूर का फैसला क्या था? इमरान खान। जमहूर का फैसला क्या था? तहरीक इंसाफ। आज भी किसी भी वक्त कहीं पे रात के 2 बजे बक्सा रखो और इमरान खान तो बहुत बड़ी बात है, उसका इतना सा सिपाही खड़ा होगा। मैं देखता हूँ इंशाल्लाह 1.5 से कम आपका वोट नहीं हुआ और 2.5 से ज्यादा हम हर यूनियन काउंसिल में, हर विलेज काउंसिल में, हर सूबाई कौमी हलके में, हर जगह तहरीक इंसाफ जीतेगी इंशाल्लाह। अंदर तो आज छोड़ा तक नहीं, अंदर तो आज जाने की इजाजत नहीं। उन्होंने इमरान खान साहब को महसूर कर लिया हुआ है। और जहां तक एस्टेब्लिशमेंट से बात है, देखें एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात नहीं है, उनसे एंगेजमेंट की बात है कि जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हों और उनका भी एहसास हो, उनकी एहसास हो कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फौज के खिलाफ नहीं है। हर महाज पे तहरीक इंसाफ ने अपनी फौज को डिफेंड किया है। हम पाकिस्तानी सियासत में एस्टेब्लिशमेंट के रोल के खिलाफ है। दिल पे सबके बड़ा बोझ है। हजरत अली करम अल्लाह वजू का कौल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज भी सिखाया मैं उसका गुलाम। तो उस्ताद का बहुत बड़ा मकाम है। जिन ममालिक की आज हम मसाले देते हैं, चाहे अमेरिका है, यूरोप है, जो भी है, वो लोग इल्म पे फोकस करके आगे बढ़े। हमारे आपके हम सब के आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीन को जब पहली वही आई आसमानों से तो क्या थी? इकरा, इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक। वो मुल्कों में सबसे ज्यादा इज्जत उस्ताद की है, हालांकि ये हमारे दीन का खासा है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्ताद भी थे, लेकिन जो आज हमारे मुल्क में हो रहा है बहैसियत तालिब इल्म के, क्योंकि मेरी तो आधी से ज्यादा जिंदगी इल्म के उसूल में गुजरी है, इंजीनियरिंग के बाद वकालत, उससे पहले कंप्यूटर, सारी जिंदगी असातिज़ा कराम के साथ गुजरी है। हमारे तो जब कोई उस्ताद आते थे तो हमसे तो उनके सामने बात नहीं हो पाती थी, लेकिन जो मैंने कराची में देखा प्रोफेसर रियाज साहब के साथ जो हुआ है, मैं कहता हूँ कि अगर किसी को कोई एहसास है तो ये हमारी माशरती कदरें दिखाती है कि आज हमारे मुल्क में जिनको मुअज़्ज़ज़ होना चाहिए था उनके साथ क्या हो रहा है, और जिनसे सवाल और जवाब होना चाहिए पाकिस्तान, पाकिस्तान के आने वाली नस्लों, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, आज वो कहाँ है और आज हमारे उस्ताद कहाँ हैं? एक उस्ताद को सिर्फ इसलिए उठा लिया जाए कि वो एक नाजायज काम में आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है? और कौन सा नाजायज काम? हमारे दीन की बुनियाद अदल और इंसाफ पे है। इन्नल्लाह यामुर बिल अदल वल एहसान। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक बार फिर उनका कौल आपके सामने पेश करता हूं कि कुफर का निजाम तो चल जाएगा, जुल्म का नहीं चलेगा। और जिन ममालिक के सामने आप लोग सजदा रेज होते हैं उनकी बात कर देता हूं। विंस्टन चर्चिल ने दूसरी जंग अजीम में जब बर्तानिया को हर महाज पे शिकस्त हो रही थी, उन्होंने पूछा, जब उनसे सवाल हुआ वजीर आजम के तौर पे कि बर्तानिया के साथ क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे बताओ हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? जब बताया गया कि अदालतें इंसाफ दे रही हैं, उन्होंने कहा जीत हमारी होगी। तो ये जो सारा ड्रामा क्रिएट किया गया कराची में इसलिए कि एक मोहतरम जज साहब जो आपसे डरे नहीं, जो आपसे झुके नहीं, जो आपसे बिके नहीं, जो फैसला करने जा रहे थे इस्लामाबाद की 3 सीटों का, और अगर इस्लामाबाद की वो 3 सीटों का फैसला हो जाता जिसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टे की वजह से वो मामला रुक गया, तो अगर इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ को सीटें मिल जाती तो आपके इस इलेक्शन के ढकोसले का सरे बाजार
वो सारे बाजार उसकी इज्जत नीलाम हो जाती जो आपने 8 फरवरी को किया। एक जज जिसका कलम बिकने के लिए तैयार नहीं है, आप उसके खिलाफ किन हदों तक चले गए हैं कि उस्ताद की इज्जत इज्जत ना रही, जज की इज्जत इज्जत ना रही। जिस मुल्क में उस्ताद की इज्जत ना हो और जिस मुल्क में अदल के निजाम को सारे बाजार नीलाम करने की कोशिश की जाए, जहां लिखारी का कलम जज के खिलाफ यूज हो क्योंकि वो जज बिकने के लिए तैयार नहीं है, तो इमरान खान तो छोड़े, तहरीक इंसाफ तो छोड़े, ये तो बड़ी छोटी बातें। असल बात यह है कि मुल्क के निजाम के साथ खेला जा रहा है। जिस मुल्क में उस्ताद की इज्जत खत्म कर दी जाए और जिस मुल्क में अदल और अदलिया और अदालतें उनको महसूर कर लिया जाए, आप मुझे बताएं उस मुल्क के बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। तो ये लड़ाई लड़ रहा है इमरान खान, ये जंग लड़ रहा है इमरान खान। बड़े दुख के साथ कहता हूं, बड़े दुख के साथ कहता हूं कि आप लोगों को एहसास नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने जब मुल्क के साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब के गिरेबान पे हाथ डाला, वो इमरान खान का गिरेबान नहीं था, वो 25 करोड़ आवाम की इज्जत का पग था जिस पे आपने हाथ डाला है। तभी तो कौम आपके खिलाफ खड़ी हो गई है, तभी तो कौम आपके खिलाफ है, तभी तो कौम आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहते हैं खून इनकलाब, खून इनकलाब। एक पुरामन इनकलाब आ चुका है, अल्लाह हमारे मुल्क को खून इनकलाब से बचाए। पुरामन इनकलाब 8 फरवरी को आ चुका है। ज़बान खल्क को नकारे खुदा समझो। Read the writing on the wall, and the writing on the wall is the people of Pakistan want Imran Khan. The people of Pakistan want Imran Khan to be the Prime Minister of this country. किस मुल्क को आगे लेके जाए। और आपने क्या किया अपनी अना की जंग में, कौम के लीडर को अंदर डाला। तो आप मुझे बताइए, 16 महीने शहबाज शरीफ साहब को बैठा के, फिर काकड़ साहब को लाके, और फिर दोबारा शहबाज शरीफ साहब को बैठा के, क्या पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो गई? क्या महंगाई कम हो गई? क्या पेट्रोल बिजली डीजल गैस की कीमतें कम हो गई? क्या आईएमएफ की गुलामी में जाते जाते आपने पाकिस्तान की मईशत का कबाड़ा नहीं कर दिया? वो ममालिक जो आपको सपोर्ट करते थे अब आपकी तरफ देखने को रवादार नहीं। हमेशा सऊदी अरब चीन हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमेशा हमें सपोर्ट किया यूएई ने, आज आपकी बात पे एतमाद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, आप जिन्होंने इमरान खान से ज्यादती की है, तहरीक इंसाफ से ज्यादती की है, अली मोहम्मद शरियार खान अफरीदी कुरैशी डॉक्टर यास्मीन राशिद बेशुमार नाम है एजाज चौधरी, आपने हमसे जो ज्यादती की है, ये जंग आप हार चुके हैं। आप आवाम में जाके अपना तारुफ नहीं करा सकते कि आप कौन है, क्योंकि जब आप बताते हैं तो वो आपकी तरफ देखने को भी मुनासिब नहीं समझते। अब भी वक्त है जो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए। मियां साहब बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। आप कहते थे कि वोट को इज्जत दो, आप तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, अब किस चीज को इज्जत दी है आपने? क्या मांगे तांगे की हुकूमत लेके इज्जत मिल गई? इज्जत वो है जो कौम आपके सर पे इज्जत का ताज पहनाए, जब आपको इज्जत की पगड़ी पहनाए, जब कौम आपको कंधों पे बैठाए, जब कौम के बच्चे आपके लिए दुआएं करें, वो होती है इज्जत। मेरी दुआ है मेरा मुल्क हंसता खेलता फलता फूलता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होगा उस्तादों को बेकराबी करके नहीं होगा, जजों को प्रेशराइज करके नहीं होगा, अपने मर्जी के फैसले लिखवा के और करवा के नहीं होगा। मुल्क तरक्की तब करेगा जब जमहूरियत में जमहूर का माना जाएगा। और जमहूर का फैसला क्या था? इमरान खान। जमहूर का फैसला क्या था? तहरीक इंसाफ। आज भी किसी भी वक्त कहीं पे रात के 2 बजे बक्सा रखो और इमरान खान तो बहुत बड़ी बात है, उसका इतना सा सिपाही खड़ा होगा। मैं देखता हूँ इंशाल्लाह 1.5 से कम आपका वोट नहीं हुआ और 2.5 से ज्यादा हम हर यूनियन काउंसिल में, हर विलेज काउंसिल में, हर सुबह कौमी हलके में, हर जगह तहरीक इंसाफ जीतेगी इंशाल्लाह। अंदर तो आज छोड़ा तक नहीं, अंदर तो आज जाने की इजाजत नहीं।